Students, today we are, hello students, today we are going to learn about circle. Okay, so what is a circle? A circle is a plane figure enclosed by a curved line. ठीक है, तो एक सर्कल एक प्लेन फिगर होता है जो कि एक कर्व्ड लाइन से इनक्लोज हो. जैसे कि ये सर्कल एक कर्व्ड लाइन, ठीक है, से इनक्लोज्ड है. एवरी पॉइंट ऑन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट विद इन कॉल्ड अ सेंटर. ठीक है, जो कि एक फिक्स्ड सेंटर से, जैसे कि ये सेंटर दिखाई दे रहा है, इसकी और सर्कल की सर्कमफेरेंस की दूरी इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट सेंटर से जिसकी दूरी इक्वल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल. नाउ व्हाट इज द सर्कमफेरेंस? द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज द पेरीमीटर. जो सर्कल का पेरीमीटर होता है, सर्कल की बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है, उसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं. नाउ डायामीटर, द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल. सर्कल के अंदर की जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम लोग डायामीटर. जैसे कि इस फिगर में आपको ये एक डायामीटर दी गई हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली लाइन जो सेंटर से होकर गुजर रही है और सर्कल की बाउंड्री को टच कर रही है, इस लाइन को, लॉन्गेस्ट लाइन को हम लोग डायामीटर बोलते हैं. कमिंग टूवर्ड रेडियस, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द आउटसाइड एज. सर्कल के सेंटर से लेकर के सर्कल के आउटसाइड एज तक की एक लाइन को हम लोग रेडियस बोलते हैं. सपोज इन दिस सर्कल देयर इज लाइन पासिंग फ्रॉम अ सर्कल टू इट्स सर्कमफेरेंस, दिस लाइन इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ हाउ टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल? द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज सी इज इक्वल्स टू पाई इंटू डी, वेयर पाई इज इक्वल्स टू 3.14 और 22/7. सो इफ द डायामीटर ऑफ द सर्कल इज गिवेन, वी कैन मल्टीप्लाई पाई इंटू द डायामीटर टू फाइंड द सर्कमफेरेंस, और वी कैन फाइंड द सर्कमफेरेंस बाई 2πr. 2 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई रेडियस ऑफ द सर्कल. कमिंग टूवर्ड एरिया ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. ओके, सो वेयर पाई इज इक्वल्स टू 3.142 एंड इफ वी मल्टीप्लाई पाई इंटू रेडियस मीन्स जो रेडियस गिवेन है उसको पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके स्क्वायर को पाई से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे सर्कल का ये पूरा अंदर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा. नाउ लेट्स अंडरस्टूड व्हाट इज आर्क. आर्क ऑफ अ सर्कल, अ पोर्शन ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल्स, मीन्स इस पूरे सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन. सपोज करिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो सर्कल मार्क है यहाँ पे, ये लाइन, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे आर्क ऑफ अ सर्कल. अंडरस्टैंड, इट विल बी नोन एज आर्क ऑफ अ सर्कल. नाउ सेक्टर, अ सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इनक्लोज्ड बाई 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल एंड देयर इंटरसेप्ट आर्क. सेक्टर क्या होता है, एक ये हमें आर्क दिख रहा है इसमें, ठीक है, अभी हमने पढ़ा व्हाट इज आर्क, और ये 2 रेडियाई दिख रही हैं. तो 2 रेडियस और एक आर्क से मिलकर के जो एरिया बनता है इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं. तो ये 2 रेडियाई और ये एक आर्क हो गया, तो ये छोटा पार्ट है सर्कल का, इसलिए इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे. लेकिन अगर हम नीचे साइड देखें तो ये 2 रेडियस है और ये एक बड़ा आर्क दिख रहा है हमको, इसलिए इस एरिया को हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं. अंडरस्टूड? नाउ सेगमेंट, द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बॉन्डेड बाय अ कॉर्ड एंड द आर्क सबटेंडेड बाय द कॉर्ड. ठीक है, अ सेगमेंट मीन्स एक कॉर्ड, एक कॉर्ड
और एक आर्क की हेल्प से बना हुआ ये जो रीजन है इसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। ठीक, ये एक कॉर्ड हो गई और ये एक आर्क हो गया, इस एरिया को हम लोग सेगमेंट बोलेंगे। तो जो सेगमेंट से फॉर्म हुआ छोटा पार्ट है इसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोलेंगे और इस बड़े पार्ट को हम लोग मेजर सेगमेंट बोलेंगे। नाउ कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट हुज एंड लाइज ऑन द सर्कल। सपोज करिए दिस इज अ सर्कल। ठीक, इस पे एक कोई भी हम लाइन ड्रॉ कर दें इस तरीके से, चाहे इस तरीके से और लाइक दिस और लाइक दिस, ये सारी हमारी क्या हो गई, कॉर्ड्स हो गई। ओके, जो इस सर्कल पे रेड लाइन से ये लाइन बनी हुई है ये सर्कल के अंदर, इसको हम लोग कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो कॉर्ड कुछ भी हो सकती है, लाइन हम कहीं से भी सर्कल के एंड से एक सर्कमफेरेंस से दूसरे सर्कमफेरेंस के एंड पे ज्वाइन करेंगे तो इसको हम लोग कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, डायामीटर। डायामीटर को हम लोग लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं क्योंकि सर्कमफेरेंस के पॉइंट को भी एंड करती है और ये सेंटर से होकर के पास हो। दिस इज़ ऑल अबाउट सर्कल।